नमस्कार, आज चोको जामुन बनाऊंगी। चॉकलेट से संबंधित चीज़ है ये, तो चलिए शुरू करते हैं। चोको जामुन बनाने के लिए मैदा लिया है मैंने 200 ग्राम, लस्सी ली है मैंने लगभग आधा कप, और लस्सी की जगह पे आप दही ले सकते हैं अगर लस्सी नहीं हो तो। मावा लिया है लगभग 50 ग्राम, दूध लिया है फुल क्रीम दूध मैंने लिया है 1 कप, आप चाहें तो इसकी जगह पर पानी यूज़ कर सकते हैं। 2 चम्मच कोको पाउडर लिया है, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, क्रीम है मेरे पास 2 चम्मच, और लगभग 2 बड़े चम्मच डार्क चॉकलेट है जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, और तेल है। डीप फ्राई करेंगे गोलियों को तो तेल मैंने लिया है। सबसे पहले एक बॉल या परात ले लें और उसके अंदर डालेंगे ये मैदा और बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर और ये मावा है, इसको ग्रेट करेंगे सीधा इसके अंदर, इसको बारीक बारीक ग्रेट कर लेंगे। और ग्रेट करने के बाद में अच्छे से मिक्स करें, और सबसे पहले लस्सी इसके अंदर डालेंगे। इसका डो तैयार करना है हमें, जैसे रोटी का डो होता है ना, वैसा डो हमें तैयार करना है इसका। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले अच्छे से बाइंड करें, लस्सी सारी इसके अंदर डाल देंगे, और अब जितनी भी ज़रूरत पड़ेगी या तो दूध इस्तेमाल करें और नहीं तो पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दूध ले रही हूँ, थोड़ा थोड़ा डालूँगी, आप चाहें तो पानी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे, और इसका एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। ये लीजिए, डो हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए, इस तरीके का डो हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं चाहिए। और मैं एक बात और बता दूं कि इसमें सारा दूध नहीं लगा है, 2 या 3 चम्मच ही दूध लगता है, या पानी आप जो यूज़ करें वो सिर्फ कम लगेगा, 2 या 3 चम्मच ही लगेगा। तो रखते हैं इसको साइड पे और तेल गरम करेंगे। गैस ऑन मैं कर रही हूँ और तेल को हमें गरम करना है। तेल हमारा गरम हो चुका है, और पहले तेल को तेज आंच पे गरम करें, उसके बाद में मीडियम हीट पे हम इनको पकाएंगे। तो अब तेल अच्छे से गरम हो गया है तो गैस को थोड़ा कम कर देंगे, मीडियम आंच इसी में रख रही हूँ। और गोलियाँ बनानी है हमें, जो ये डो हमने तैयार किया था इसकी, तो छोटी छोटी इसकी हम गोलियाँ बना लेंगे इस तरीके से, ये देखिए, और तेल के अंदर डालते जाएंगे। साइड से डालें हमेशा और बनाएंगे, छोटी छोटी गोलियां बना के साइड से छोड़ते जाएं। इसी तरह से सारी बना लेंगे और डाल देंगे, एक बार में उतनी डालें जितनी आसानी से आ जाएं और हमें पलटने में दिक्कत ना हो। अब पलट देंगे इनको एक चम्मच से, ये देखिए अच्छी सी सिक चुकी हैं, लगभग 3 से 4 मिनट इसमें लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और पलट पलट के इनको अच्छे से फ्राई करना है ताकि अंदर से कच्चे ना रहें, तो बराबर इनको हिलाते रहें पलटते रहें। एक अच्छा सा कलर इनका आ गया है, आपको पता चल जाएगा, बेशक आप हाथ से टच करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बाहर से सख्त हो जाएंगी ये गोलियाँ और अंदर से सॉफ्ट, तो इसका मतलब ये पक चुकी हैं। अखबार पे या टिश्यू पेपर पे निकाल सकते हैं इनको आप, बराबर इनको पलटते रहें। गोली हमारी पक चुकी हैं, गैस को बंद कर देंगे और निकाल लेंगे अच्छे से इनका तेल,
झाड़ लें और किसी प्लेट में निकाल लें। ये सारी गोलियां मैंने तैयार कर ली हैं और निकाल ली हैं। अब एक पैन लेंगे, गैस ऑन करेंगे और क्रीम डालेंगे सबसे पहले। अगर क्रीम नहीं है तो आप मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, हल्का सा गरम करें और साथ में डाल देंगे ये चॉकलेट। अच्छे से मिक्स करें और गैस को एकदम कम कर दें अब, क्योंकि चॉकलेट को हमें जलाना नहीं है, सिर्फ मेल्ट करना है। अच्छे से मिक्स करते रहें इसको और एकदम क्रीमी सॉस हमें बनानी है इसकी। देखिए अच्छे से मेल्ट हो गई है चॉकलेट और गैस को बंद कर देंगे। जैसे ही चॉकलेट मेल्ट हो जाए गैस को एकदम बंद कर दें और ये देखिए अच्छी सी सॉस हमारी तैयार हो गई है। और अब जो ये गोलियां हैं एक एक करके इसके अंदर इस तरीके से डिप करेंगे और निकालते जाएंगे। किसी भी प्लेट में आप निकाल सकते हैं, किसी भी ट्रे में निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे प्लेट में रखती जा रही हूँ और इसी तरह से सारी हम कोटेड कर लेंगे। अच्छे से कोट करें, आप चाहें तो वाइट चॉकलेट भी इसकी जगह पे ले सकती हैं, मैंने डार्क चॉकलेट यूज़ की है। ये अच्छे से मैंने चॉकलेट में कोट कर ली हैं और देखिए देखने में कितनी सुंदर लग रही हैं। अब इनको 5 से 7 मिनट आप रेस्ट दें, वो रीज़न ये है कि चॉकलेट ऊपर से सेट हो जाएगी तब आप खाने को दें, वरना ये हाथ पे चिपकेगी, थोड़ी स्टिकी है अभी तो। 5 से 7 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और उसके बाद में बच्चों को दें या खुद खाएं। चोको जामुन हमारे तैयार हो गए हैं, आप चाहें तो इनको फ्रिज में भी रख सकते हैं ताकि अच्छे से सेट हो जाए चॉकलेट और इंजॉय करें।